सभी साथियों को जय श्री राम, जय हरियाणा और जय हो रंगीलो राजस्थान। हम हरियाणा से चलकर स्वर्ण नगरी राजस्थान और उस राजस्थान में स्थित जैसलमेर के पास सेम गांव में पहुंच गए हैं। तो आइए हम आपको सेम गांव की सैर कराते हैं। साथियों, हम आपको अच्छे से हर एक चीज दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए, अब यहां पे हम पहुंच गए हैं। देखिए, ये अलग अलग रिसोर्ट हैं यहाँ पे, होटल जिन्हें अब जैसे कि हमने ऑनलाइन बुक कर रखा है। रिसोर्ट गेटवे रिसोर्ट, हमने गेटवे रिसोर्ट नाम का जो होटल है या रिसोर्ट जिसे बोलते हैं हम, वो हमने ऑनलाइन बुकिंग कर रखा है। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ के मिल गए लोकल बंदे, उन्होंने कहा कि जी पहले हमारा देखो आप, अगर उससे अच्छा हो तो आप ठीक है यहाँ पर एडजस्ट हो जाइए। तो आइए देखते हैं एक दो और घूम फिर के। ये देखिए आप, यहाँ पे हमने देखा कि अगर जो बुकिंग कर रखी है उससे अगर अच्छा हुआ तो क्यों ना हम यहाँ पे ठहरें। तो आइए देखते हैं। ये देखिए जो तंबूनुमा ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे कमरे हैं जो ये किराए पे देते हैं। तो आइए रूम देखते हैं। यहाँ पे जो हमने रूम देखा और देखने के बाद हमें कुछ ठीक नहीं लगा। जिस तरह की हम सुविधा चाहते थे अच्छे साफ सफाई की, अच्छी साफ सफाई हो, तो हम अब यहाँ से चलेंगे। और जो हमने जो रिसोर्ट बुक कर रखा है वो देखेंगे अच्छे से। उससे पहले एक दो कमरे और देखे, लेकिन अच्छे से देखने के बाद ये देखिए वैसे सुविधाएं हमारे हिसाब से हमें अच्छी नहीं लगी जो हम चाहते थे। यहाँ के जो कमरे की साफ सफाई वगैरह कुछ अच्छी से नहीं थी। तो अब हम सभी दोस्तों ने यहाँ से चलने का प्रोग्राम बनाया। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ का जो कल्चर है वो अच्छे से देखने को मिलता है हमें राजस्थान की इस पावन धरा पर। अब हम जो दूसरा रिसोर्ट जो हमने बुक कर रखा है वहाँ हम पहुँच गए हैं। ये देखिए आप, आजकल का चलन थार गाड़ी, जीप। ये जो रिसोर्ट जो हमने ऑनलाइन बुकिंग कर रखा है, जो मैंने आपको बताया, ये देखिए आप, यहाँ पे जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं ये देखिए कितनी अच्छी कलाकृति बैठने की इन कुर्सियों में। और हमारे हरियाणा में जो विशेष तौर से प्रसिद्ध हैं मुड्डे, वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और जब शाम का टाइम होगा तो यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम होता है। ये स्विमिंग पूल है। अब ठंड का मौसम है तो गर्मियों में इसका काफ़ी यूज होता है। आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये बैठने का स्थान हमने आपको दिखाया, ये जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं उसी प्रकार से। ये देखिए टीले, रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं, हमारे जैसे पहाड़ होते हैं ना उसी प्रकार से रेतीले टीले, बहुत ऊंचे ऊंचे। तो ये हम जगह आपको अच्छे से दिखा रहे हैं। शाम को जब यहाँ पे प्रोग्राम होगा काफ़ी अच्छा देखने लायक होता है यहाँ के, बताते हैं। ये देखिए अच्छे से आप यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ठंड के मौसम में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रेतीली ज़मीन है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है। तो मेरे हिसाब से ठंड में ही अच्छा होता है और अपनी अपनी पसंद होती है। ये देखिए आप अच्छे से, यहाँ का जो रिसेप्शन जिसे हम बोलते हैं रिसेप्शन, अंदर आते ही रिसेप्शन होता है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद ये देखिए बाहर जो रिसोर्ट है उसके बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपस में गाड़ियां जा रही हैं, ये उस जगह पे जा रही हैं जहाँ पे था राइडिंग, पैरासूट में जो बैठ के हम जो घूमते हैं ये वहाँ पे जा रहे हैं। अब जो हमने रूम लिया है उधर की तरफ हम आपको ले चलेंगे।
ये देखिए अच्छे से आप, हम आपको हर एक जगह, हर एक स्थान यहाँ का अच्छे से दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो अलग अलग कमरे हैं, इनमें अटैच बाथरूम है, बहुत अच्छी सुविधा है। हम आपको रूम भी दिखाएंगे और हमें बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुविधाएं लगी हमने देखा, तो बार बार हम आपको ये जगह दिखा रहे हैं। अब हम रूम की तरफ, हमने जो कमरे ले रखे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आइए ये देखिए आप, जो पहले जो होटल था उसकी बजाय बहुत अच्छी साफ सफाई यहाँ पे, कि हाँ मन ये कहता है कि हाँ भाई ये ठीक है। तो हम आपको अब थार राइडिंग की तरफ ले चलेंगे, और उससे पहले अच्छे से रूम को देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। ये देखिए आप अच्छे से, पांच से छह दोस्त होने के कारण दो रूम एडजस्ट अच्छे से हो जाएंगे। तो दो रूम लिए यहाँ पे, और अब हम आपको ले चलते हैं घूमने के लिए। ये हमारी गाड़ी जो हमें यहाँ तक लेकर आई, और हम इस यात्रा पर आए तो इस गाड़ी के द्वारा बहुत अच्छा अब तक का सफ़र रहा। भगवान की दया से आगे का सफ़र भी बहुत ही अच्छा होगा। आप सबके आशीर्वाद व प्यार से ये हमारी गाड़ी जो हमें घुमाने ले चलेगी। ये रिसोर्ट के द्वारा ही, जो हमारे पास इन्होंने पैसे लिए हैं उन्हीं के द्वारा ये गाड़ी मिलेगी, इसमें इंक्लूड कर देते हैं वो सब कुछ चार्ज वगैरह। और यहाँ पे आप आएँ तो उससे पहले इस बात की अच्छे तहकीकात भी कर लें। तो आइए अब चलते हैं। हम आपको ले चलेंगे जो आप टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, यूट्यूब पर। तो आइए हम ले चलते हैं। ये देखिए आप, आसमान में घूमते हुए यहाँ के पर्यटक काफी आनंद ले रहे हैं। हमें भी यहाँ पे आने का अवसर मिला दोस्तों के संग। हम आपको राजस्थान की इस पावन धरा को अच्छे से, इस टूरिज्म प्लेस को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए रेत के टीले, ये जो सामने हरे रंग की मैट सी दिख रही है, हम आपको यहाँ पे भी ले चलेंगे, और यहाँ के पर्यटक आनंद लेते हुए इस बहुत ही खूबसूरत जगह का। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की शान, यहाँ का जहाज, जो ऊंट है उनकी सवारी भी हम करेंगे। तो आइए, हम आपको हर एक चीज़ बार बार यही बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ हम इतनी दूर से आए हैं तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए ये जो गाड़ी है, इसके घुमाने का चार्ज होता है और इस पे आप बैठ के सवारी कर सकते हैं। ये देखिए पीछे वाली सीट पे जो पर्यटक है वो बैठते हैं, आगे इनका जो पायलट होता है चलाने वाला, वो आपको अच्छे से यहाँ की जगह का, स्थान का अच्छे से आपको मुआयना करवाएगा, घुमाएगा। हर जगह जहाँ भी देखो आप, ऊँट ही ऊँट, और थार गाड़ी, जीप,
जहाँ से बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ का आनंद लेने के लिए आते हैं। हम आपको हर एक जगह दिखाएंगे। ये देखिए आप, वैसे जैसलमेर शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित इस रेगिस्तानी इलाके तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। सैम सैंड ड्यूज तक पहुंचने का सबसे पसंदीदा तरीका जीप, या फिर आप कोई भी अपने तरीके से कोई गाड़ी ले सकते हैं। परिवहन के इस साधन से आसपास के पर्यटक आकर्षणों का भी पता लगता है। जैसलमेर का यह बहुत ही सुंदर जगह में से एक है, और जैसलमेर बस स्टैंड पर कई स्थानीय बसों के द्वारा भी हम यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो आइए इस जगह का हम भी कुछ आनंद लेते हैं। तो आइए अब हम आपको, ये देखिए, ये जीप की एक रस्सी लगी होती है जो पैराशूट ऊपर जो खुलता है उसके नीचे जो रस्सियां लगी होती हैं जहाँ पे पर्यटक बैठते हैं, वहाँ से इस जो जीप है उसको उस रस्सी के साथ जोड़ा जाएगा। ये देखिए आप, ये देखिए आगे आगे जीप चल रही है। ये आगे जाकर इन्हीं के कैंडिडेट होते हैं वहाँ पर, वो जब ये जीप जो गाड़ी है इसको रोक दिए जाएंगे। इसको रोकने के बाद धीरे धीरे पैराशूट नीचे की तरफ उतरेगा और जो पर्यटक होते हैं उसको फिर जीप में बिठाकर वापस इसी जगह से ले आते हैं। ये 100 से 200 मीटर की उड़ान होती है। ये देखिए, हम आपको काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो रस्सियाँ हैं यहाँ पे बैठने की जगह है। यहाँ पे जो पर्यटक होते हैं वो बैठते हैं और आगे जो जीप जो चल रही है इसके रस्सी बंधी हुई होती है। इसमें एक सेफ्टी कॉर्नर भी है इसका बहुत अच्छा, ताकि हवा के वे से कहीं इधर उधर न जा सके। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से आप ये देखिए, वो रस्सी लेके जीप आगे की तरफ चली गई। अब ये जो भाई साहब हैं जो हवाई सफर करेंगे, ये देखिए आप, आगे वो जीप इसको बिल्कुल आगे की तरफ रस्सी को खींचेगी। और ये देखिए आप, आगे जीप को रोक लेते हैं और फिर जो पर्यटक होते हैं वो उतरकर इसी जीप में बैठकर वापस आ जाते हैं। और ये यहाँ का जो किराया बता रहे हैं ये 5,000 रुपये, जो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं मिनी हेलीकॉप्टर विद पैराशूट के साथ, कमाई का बहुत अच्छा साधन कर रखा है इन्होंने। पर्यटक काफ़ी रंग चाव करके लुफ्त उठाते हैं। देखिए पीछे जो पंख दिख रहे हैं आपको, ये घूमेंगी एज ए मिनी हेलीकॉप्टर ये पैराशूट। बिल्कुल धीरे 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 प्लेन की तरह आगे की तरफ जाकर लास्ट तक जाकर फिर ऊपर उठता है, और फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने आपको जीप वाला दिखाया उसी प्रकार से ये घूमकर वापस आ जाते हैं।
तो साथियों आइए अब हम जहाँ पे रूम ले रखा है रिसोर्ट में वहाँ पे चलेंगे। ये देखिए जो मैंने आपको पहले बता रहा था ये उसी प्रकार से जो पहले आपको बताया दोबारा से एक बार आप फिर देख लीजिए जिस प्रकार से जीप वाली बात बताई थी मैंने आपको उसी प्रकार से एक बार लास्ट में यहाँ हम जाने से पहले आपको फिर दोबारा से दिखा देते हैं। तो आइए अब जहाँ पे रूम ले रखा है रिसोर्ट वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे जो शाम का प्रोग्राम रंगारंग प्रोग्राम बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है वो हम आपको दिखाएंगे। हमने पूरा प्रयास किया है आपको काफी अच्छे से हर एक चीज दिखाने का लेकिन कमी रह ही जाती है। कोई नहीं, कभी फिर दोबारा मौका मिलेगा तो फिर दोबारा से आपको अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ की जो सवारी यहाँ की जो जीव की इतनी अच्छी सवारी होती है वो भी हम आपको अच्छे से प्रयास किया। दूर दूर तक जहां नजर जा रही है वहां टीले ही टीले, रेत ही रेत। ये राजस्थान, इसीलिए इन्हें रंगीला राजस्थान बोला जाता है। ये देखिए सूर्यदेव अस्त होने की तरफ, साथ साथ को प्रणाम। शाम हो गई है अब हम रिसोर्ट में चलेंगे। तो और हमारा वहां पे कुछ स्वागत भी यहाँ के कल्चर के हिसाब से स्वागत हुआ, हमारा स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पे अतिथियों का आदर मान व सम्मान किया जाता है, साथ साथ प्रणाम इस धरती को, सूर्य नगरी को। तो आइए रिसेप्शन पे दोबारा से आ गए हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था ये जगह जहाँ पे शाम को यहाँ पे अच्छा कल्चर प्रोग्राम होगा। तो आइए चलते हैं और ये प्रोग्राम में तो स्टार्ट। दाग है, आप बेदाग चकोरी है। एक बार मैडम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। तो मैं आपके सामने यहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग निमुड़ा, निमुड़ा सॉन्ग किस किस ने सुना एक बार हाथ खड़ा कीजिए। हेलो, क्या बात है। ये ओरिजिनल सॉन्ग निमुड़ा हमारे इसी जैसलमेर की तरफ गाया हुआ है। यहाँ का लव सॉन्ग है पद्मी और पद्मी का, और आपकी तरह आए हुए लोगों ने इसे रिकॉर्ड करके फिल्मों में लगा दिया। तो निमुड़ा से पहले एक दो मैं शेर बोलूंगा, कुछ शेर आपके नाम के ऊपर होगा। अगर किसी भाई को बुरा लग जाए तो मुझे माफ करना, ये आपके मनोरंजन के लिए है। गोरी नाम है पत्नी का,
यहाँ का लव सॉन्ग है। पति जब भी अपने घर से दूर जाता है तो उनकी पत्नी बोलती है, प्रिया जी आप दूर जा रहे हो, आते समय चार नींबू लेके आना और एक चुनरी लेके आना जो गर्मियों में बहुत ही अच्छी रहेगी। मेरे सभी डांस कलाकार को जोश आ जाए, तो किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया, तो नरेंद्र भाई ने सोचा मेरा दिल बाहर आया, और फटाक से दरवाजा खोल कर देखा तो लंबा चौड़ा बिजली का बिल आया। तो मैंने शायर बोला नरेंद्र भाई के लिए, लेकिन नरेंद्र भाई तो फोन में लगे रहे। तो इधर से ब्लू जैकेट वाले भाई साहब बैठे हैं जी, आपका नाम जी? तो जो आपके बीच में बैठे चश्मे वाले भाई साहब जी, चश्मे वाले, अभी मैंने आपका ही नाम बोला है। अरे क्यों बात नहीं जी, इनके पास में बैठे, इनका नाम बता दीजिए। तलवारों में क्या रखा है? थैंक यू। कहाँ वीरेंद्र भाई? हरियाणा। हरियाणा को वीरेंद्र भाई कौन है? वीरेंद्र भाई आपकी शादी हो चुकी है? होगी भाई, होगी होगी। नाम कौन आई? कौन आई? के नाम ले सर मरवाओ। छम करती आई थी ओ वीरेंद्र भाई जी, छम छम करती आई थी ओ, छम छम करके चली गई। मेरे वीरेंद्र भाई साहब जी हाथ में संदूर लेकर खड़े थे, और फटाक से राखी बांध के चली गई। थैंक यू। एक सर हमारे डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर के ऊपर है, हमारे जैसलमेर में एक्चुअली नीम बहुत ज्यादा। Hey, hey, hey.
सब लोग जरा गौर से देखिए, जैसे हम किसी प्लास्टिक को मरोड़ते हैं, उसी तरह अपने शरीर को मरोड़कर उस दो पेड़ों के बीच में निकालने वाली है। तो हल्की सी नजर हट गई आप लोगों की तो कुछ भी नहीं होगा। सब लोग जरा गौर से देखिए, पूरे पैर हिसाब से के लिए जोरदार ताली हो जाए। Thank you.
के सामने नागिन डांस नागिन की तरह बल करती हुई ले जाती है।
बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। कुछ और बन गया मोटरसाइकिल दिला दीजिए। यहाँ का कल्चर प्रोग्राम देखकर अब जो आप खाना लेंगे इसी में इंक्लूड हो जाता है, इसी चार्ज में। यहाँ का बहुत ही अच्छा भोजन मिला हमें, ज़्यादा नए मसालेदार, ज़्यादा साधारण भोजन, अच्छा भोजन। सभी दोस्तों ने अच्छे से भोजन किया और सेम गांव की यात्रा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे की यात्रा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने पेश होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।